हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और मैं आपको चैप्टर वाइज भी करा रहे हैं तो आप लोग याद करते जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस सारे प्रश्न को अच्छे से याद करना है और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है मृग मरीचिका का कारण क्या है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है आपका अनंत होती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आप लोग जानते होंगे हीरा का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, तो याद रखिएगा आपका निर्वात में हो जाएगा, किसमें, निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो आपका आभासी एवं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी एवं उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा। अगला क्वेश्चन है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश की किरण, एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है, क्या है इसकी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो आपका हो जाएगा गोलाकार। क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गोलाकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तरंग, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध क्या है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमडा बट्टे पाए इंटू क्या हो जाएगा आपका फाई, ठीक है, यानी कलांतर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण इसका है आपका व्यतिकरण, क्या है, व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश पथ बराबर होता है, आपकी 2022 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। प्रकाश पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, वह है आपका ध्रुवन, क्या है, ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है, याद रखिएगा, पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है, तो आपका दो डायोड का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन क्या है, आपका हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, तो एच बट्टे टू पाए जूल प्रति सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल सेकेंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सरणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाइमेन सरणी नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सरणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमेन सरणी, और पड़ती है तो बामर सरणी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो
इलेक्ट्रिक परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो आपका हो जाएगा अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, औसत आयु। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है तत्व 202 और देखिए इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। का नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 82 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 12th के वीडियो इसी चैनल पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।